ये अगर पी चिदम्बरम साहब ने जो एक सवाल उठाया है मैं इसको डिटो करता हूँ और ये इनका सवाल सही है। क्या मानते हैं आप इसको लेकर के? किसको? जो ब्रिटेन में पीएम बना है अल्पसंख्यक, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये अच्छा काम हुआ है, सही है, और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, जब डेमोक्रेसी के अंदर तो इससे भी ज़्यादा आज़ादी है और हर आदमी को उसमें हक दिया गया है, हर कौम, हर बिरादरी, हर मज़हब के इंसान को, कि वो आगे बढ़ सकता है और अपनी जगह ले सकता है। वो मतलब क्या आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यक भी पीएम बने यहाँ का? बिल्कुल, हमारी तो बहरहाल ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के अंदर भी, चूँकि वो फार्मूला जो ब्रिटेनिया ने इस्तेमाल किया है, जिस बुनियाद पर भी किया है, तो बहरहाल अगर उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है, और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? उसे मौका मिलना चाहिए उसे भी। सांसद जी, यूपी में मदरसों का सर्वे सहारनपुर में काम पूरा हो चुका है। 12 बिंदुओं पर यह सर्वे हुआ है जिसमें सहारनपुर में 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, इसमें दारुल उलूम देवबंद भी शामिल है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जो मदरसे हैं उनकी हैसियत में बहुत बड़ा फर्क है। दारुल उलूम देवबंद से तो और कितने मदरसे जुड़े हुए हैं जो उन्होंने कायम किए हैं। बहरहाल दारुल उलूम देवबंद एक बुनियादी मदरसा है यहाँ पर, जब इतनी पाबंदियाँ भी नहीं थी, बहरहाल वो जब ही से कायम है। अगर इस पर कोई कमी पहले भी दिखाई देती भी होती तो पहले भी ये सवाल उठना चाहिए था, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि आप उसके अंदर ये कमी महसूस कर रहे हैं कि साहब वो यानी उसमें गैर मान्यता प्राप्त है वो, तो मान्यता प्राप्त के लिए अगर किसी अंदर कमी है तो वो अब भी पूरी की जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद को मान्यता प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, जो इतने ज़माने चल रहा है तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल वो तो उसको वो हैसियत हासिल है, जो मान्यता प्राप्त को हासिल है वो हैसियत उसको अब भी हासिल है।